नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। सिलवानी नगर पंचायत भाजपा के अधिकृत नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रेशु विभोर नायक ने दावेदारी की थी, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के सामने एक वोट से जीती रेशु जैन। भाजपा युवा मोर्चा सिलवानी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विभोर नायक की धर्मपत्नी हैं। वहीं कांग्रेस से श्रीमती जेबा खान को 7 मत मिले हैं, जिसमें रेशु जैन एक वोट से विजयी हुई हैं। वहीं नगर पार्षद कार्यालय में नगर परिषद सिलवानी उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती निशा संतोष सोनी को 10 वोट मिले और कांग्रेस के प्रत्याशी हाफिज मंसूरी को 5 वोट प्राप्त हुए। इस तरह से भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती निशा संतोष सोनी 5 वोट से निर्वाचित घोषित हुई। नगर परिषद सिलवानी उपाध्यक्ष पद हेतु भाजपा की श्रीमती निशा संतोष सोनी एवं कांग्रेस से हाफिज मंसूरी ने नगर परिषद उपाध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र जमा किया था। संवीक्षा में दोनों विधिमान्य पाए गए थे। किसी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया था। इसके बाद मतदान हुआ था। नगर परिषद कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर एवं एसडीएम रवीश श्रीवास्तव की उपस्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। सिलवानी नगर परिषद के 15 वार्डों में से वार्ड नंबर 1 में श्रीमती ब्रजेश रानी ठाकुर जो कि भाजपा से हैं, वार्ड नंबर 2 से लखन मेहरा पप्पू मेहरा जो कि भाजपा से हैं, वार्ड नंबर 3 देवी सिंह भैया भाई जो कि भाजपा से हैं, वार्ड नंबर 4 से श्रीमती अर्चना संजय मस्ताना जो कि भाजपा से हैं, वार्ड नंबर 5 से शमीमुद्दीन जो कि कांग्रेस से हैं, वार्ड नंबर 6 से श्रीमती फिरदौस जो कि भाजपा से हैं, वार्ड नंबर 7 जहां से हाफिज मंसूरी कांग्रेस से उम्मीदवार थे, वार्ड नंबर 8 से अजीम कुरैशी जो कि कांग्रेस उम्मीदवार थे। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 से श्रीमती निशा संतोष जो कि भाजपा से थी, वार्ड नंबर 10 श्रीमती जेबा कौसर खान जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वार्ड नंबर 11 श्रीमती रेशु विभोर जैन जो कि भाजपा से थी, वार्ड नंबर 12 जिसकी श्रीमती रजिया बेगम इलियास खान कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, वार्ड नंबर 13 में श्रीमती अलका मिलन जैन जो कि भाजपा की उम्मीदवार थी, वार्ड नंबर 14 में श्रीमती रागनी मोहन साहू जो कि भाजपा से उम्मीदवार थी, वहीं वार्ड नंबर 15 से प्रदीप कुशवाहा जो कि भाजपा के पार्षद थे वो निर्वाचित किए गए हैं। गरीबों तक अभी योजना नहीं पहुंच पाई है, उसके विकास के लिए तो मैं बहुत से कार्य करना चाहूंगी। सभी गरीबों के साथ मिलकर उनको पूरी योजना का लाभ दूंगी। आवास योजना, लाडली लक्ष्मीबाई योजना, लोन योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो अभी कई लोगों को नहीं पता है, उस